चांद की सतह पर आप भारत के रोवर को चलता देख अगर आप इतना खुश हो रहे हैं तो सोचिए कुछ दिन बाद हमारे भारत का एक और रोवर मंगल पर चलने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, मंगल पर रोवर और लैंडर। हम मजाक नहीं कर रहे, भारत मंगलयान 2 भेजने जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में जैसे इसरो ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 को चांद पर उतार दिया, वैसे ही अब मंगल ग्रह पर मंगलयान 2 की बारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक और महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी में लगा हुआ है, जिसका नाम है मंगलयान 2। जी हाँ, अब भारत चांद के बाद मंगल ग्रह की ओर कदम बढ़ाने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक 2016 से लगातार मिशन मंगलयान 2 के प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। 60 के दशक से ही चांद की तरह मंगल ग्रह पर पहुंचने की होड़ भी अमेरिका और सोवियत संघ में शुरू हो गई थी। दोनों ही एक के बाद एक मंगल पर मिशन भेजे जा रहे थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। बहुत बाद में दोनों मंगल पर पहुंचने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन साल 2013 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किया। इसकी लागत 450 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बाकी देशों के मुकाबले काफी कम थी। मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। मंगलयान की कामयाबी के बाद ही भारत के इसरो ने मंगलयान 2 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी भेजे जाएंगे। जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन में आप देख रहे हैं रोवर लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर चल रहा है, ऐसे ही भारत मंगल ग्रह की सतह पर रोवर चलाएगा और लैंडर खड़े खड़े अपने प्रयोग करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर कैसे जाएगा, क्या होगी प्रक्रिया, कैसा होगा यान, मंगलयान 2 मंगलयान 1 से कितना अलग होगा और साथ ही इसके कब तक लॉन्च होने का प्लान है। तो आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। मंगलयान 2 मिशन के बारे में जानने से पहले जरूरी है मंगल ग्रह को जानना, ताकि मंगलयान 2 मिशन को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना हो। लंबे समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना तलाशने के लिए शोध करते आ रहे हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की कुछ संभावना है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के साथ साथ बर्फ की भी मौजूदगी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की औसतन दूरी 22 करोड़ लाख किलोमीटर है, क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द अंडाकार पथ पर घूमते हैं। मंगल की सतह काफी पुरानी है तथा क्रेटरों से भरी हुई है। क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं। मंगल की सतह पर किसी द्रव वस्तु के बहने के साफ सबूत मिले हैं। द्रव जल की संभावना अन्य द्रव पदार्थों से ज्यादा है। मंगलयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। मिशन में मंगल ग्रह के प्रारंभिक चरण इसकी प्रारंभिक परत हाल के बेसाल्ट और बोल्डर गिरने जैसी चल रही गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बहुत ही उच्च रेजोल्यूशन वाला पैन क्रोमेटिक कैमरा और एक रडार शामिल होगा। इस मिशन की अवधि 1 साल रखी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगर ये 2024 में लॉन्च नहीं हो पाया तो इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस बार मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह का चक्कर ही नहीं लगाएगा, बल्कि लैंडर और रोवर मंगल की सतह पर उतरकर एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। वहां के सतह, वातावरण, रेडिएशन, तूफान, तापमान आदि का अध्ययन करेगा। इसरो मंगलयान 2 में
एरो ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा ताकि ऑर्बिटल को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये प्रोजेक्ट अभी भी निर्माण के फेज में है। भारत के अगले मंगल मिशन के जो एओ डॉक्यूमेंट सामने आया था उसमें सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम प्रस्तावित थी। बताया गया है कि इसमें जो पेलोड लगेंगे उनमें से एक एरिस नाम का उपकरण होगा। हालांकि इसे लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि इसे भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST के संभाग स्पेस सैटेलाइट सिस्टम्स और पेलोड सेंटर SSPACE की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इससे जुड़े इंजीनियरिंग मॉडल्स और हाई वैक्यूम टेस्ट किए जा चुके हैं। इससे पहले इसरो ने मंगलयान 1 की लॉन्चिंग 5 नवंबर 2013 को की थी। करीब 11 महीने की यात्रा करने के बाद मंगलयान मंगल ग्रह के नजदीक पहुंचा था। इसे मंगलयान की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को स्थापित कराया गया था। मंगलयान लाल ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन पर भेजा गया था, लेकिन अब मंगलयान का अंत हो चुका है। उसकी सांसें थम चुकी हैं, उसमें मौजूद ईंधन और बैटरी भी खत्म हो चुकी है। इसी के साथ मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का 8 साल 8 दिन का सफर खत्म हो गया। इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। मंगलयान की सफलता इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंच जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता मिली थी। पिछले 61 सालों में 58 मिशन भेजे जा चुके हैं। मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की शुरुआत सबसे पहले सोवियत संघ ने की थी, लेकिन पहली सफलता अमेरिका के हाथ लगी। ये बात थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे तीसरे शीत युद्ध के समय की। मंगल ग्रह पर अब तक सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका ने 29, दूसरे नंबर पर सोवियत संघ, रूस ने 22 और तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन ने 4 मिशन भेजे हैं। भारत, जापान, चीन और UAE ने एक एक मिशन भेजे हैं। मंगल ग्रह पर अब तक 8 देशों ने मंगल मिशन भेजे हैं। ये हैं अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। मंगल ग्रह पर जो कुल 58 मिशन भेजे गए हैं उनमें से 23 फेल 39.65%, 31 सफल 53.44% और 3 आंशिक फेल 5.17% हुए हैं। विफल मिशन में से 10 लॉन्च फेल्योर थे, 13 स्पेसक्राफ्ट फेल थे। 22 सफल मिशन में से फिलहाल 9 ही ऑपरेशनल हैं, यानी 49 ही अब तक हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।